हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, वेलकम बैक टू अवर चैनल ग्लैम डोज विद आयशा। तो आज हम आपको अपनी वीडियो में दिखाने लगे हैं मेरा पर्सनल नेल पॉलिश का कलेक्शन, जिसमें इतने प्यारे प्यारे कलर हैं और वो कलर जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और साथ ही हमारा एक और चैनल है मोमो किचन ट्विन, एक फूड चैनल है जिसमें हम रेस्टोरेंट से रेसिपीज बनाते हैं घर में बहुत आसानी से और बिल्कुल घर के बेसिक सामानों से। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और उसको भी प्रमोट कीजिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, थैंक यू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेल आर्ट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, लेकिन बहुत कॉस्टली भी पड़ता है। तो चलिए हम जो है घर में मेरे पास नेल पेंट का जो कलेक्शन है उसमें से हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे ट्रेंडिंग कलर जो इस मौसम में सबसे ज़्यादा हिट और ट्रेंडिंग है वो है ये ब्लू कलर। तो ये मेरे पास नाइका का कलर है, ब्लूइश कलर। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग और हॉट है आजकल। ये मैंने नाइका से लिया था, करीब 180 रुपीस का पड़ा था। और साथ ही इसका ये दूसरा शेड ये लॉरियल का है मेरे पास। ये थोड़ा सा डार्क है और ये थोड़ा सा लाइट है, लेकिन लगाए हुए दोनों बहुत प्यारे लगते हैं। ये लॉरियल का करीब मुझे पड़ा था 400 के आसपास और नाइका पड़ा था मुझे 180 के आसपास। नाइका माई नाइका ऐप से आप इजीली मिल जाएगा, नहीं तो नाइका के स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगा। तो चलिए दूसरे कलर की तरफ चलते हैं। दूसरा ट्रेंडिंग कलर है ये पर्पल मूव कलर, जैसे लेवेंडर कलर भी कहते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड में है नेल आर्ट में और वैसे भी बहुत अच्छा लगता है ये। ये मैंने लॉरियल का लिया हुआ है और साथ ही मैंने इसका दूसरा शेड भी लिया है, थोड़ा सा डार्कर है वो शेड। ये मेबलिन का है, ये भी लगाया हुआ बहुत प्यारा लगता है, पर्पलिश टोन है। अभी लाइट की वजह से थोड़ा सा ब्लूइश लग रहा है, लेकिन ये पर्पलिश है, बहुत प्यारा कलर है ये। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लगता है ये कलर लगाया हुआ। और इसी वाली इसको मेरे पास एक बिल्कुल लाइट कलर है, ये फॉरएवर 52 का है। ये मैंने लोकल मार्केट से खरीदा था, मुझे थोड़ा सस्ता पड़ा था, 100 रुपीस के आसपास। और ये तीन जो शेड्स हैं ये दूसरे नंबर का सबसे ट्रेंडिंग कलर है जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो चलिए तीसरे ट्रेंडिंग कलर की तरफ चलते हैं। तीसरा जो कलर है वो ये ग्रीन कलर है, फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर। आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है इस कलर की और नेल आर्ट में भी ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये मैंने नाइका से लिया था, 180 रुपीस का मुझे पड़ा था। मैट में है ये कलर, ग्लॉसी बिल्कुल नहीं है, लगा हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। साथ ही मैंने ग्रीन के और भी कुछ शेड्स हैं मेरे पास, जैसे कि ये फॉरएवर 52 का ग्रीनिश कलर है। साथ में ये जूस का ये कलर है, ये करीब मुझे शायद 80 रुपीस का पड़ा था, काफ़ी चीप पड़ता है ये कलर। उसकी जो पिगमेंट है वो बहुत अच्छी होती है। ये भी ग्रीन कलर लगाया हुआ बहुत प्यारा लगता है। साथ ही ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, बहुत प्यारा सा ग्रीन, पेस्टल ग्रीन सा कलर है ये। ये भी लगाया हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। तो इनमें से किसी भी तरह के ग्रीन कलर को आप ट्राई कर सकती हैं। और ऑफकोर्स आप जो अपना कलर लेंगी वो आपको नेल आर्ट से बहुत ज़्यादा चीप पड़ेगा और आप उसको बार बार यूज़ कर सकती हैं, तो आपका एक पर्सनल कलेक्शन है। तो चलिए चौथे कलर की तरफ चलते हैं। कलर है मेटालिक शेड्स जो आजकल बहुत इन है, ये भी बहुत डिमांड में है आजकल। ये मेटालिक मेरे पास ग्रेइश में है, बहुत प्यारा शेड है। साथ ही ये एक और नाइका का शेड है, ये यूनिकॉर्न शेड है, येलोइश में। ये बहुत अंदर बहुत सारे इसमें शेड्स आते हैं, ब्लू शेड आता है, पर्पल शेड आता है। लगाने के बाद ये बहुत खूबसूरत लगता है। माई नाइका ऐप से आपको इजीली मिल जाएगा, करीब 200 के आसपास ही मिलेगा, 200 या 250 रुपीज़ के करीब, क्योंकि लिमिटेड एडिशन और स्पेशल एडिशन था। ये कलर बहुत प्यारा है, तो आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं। चलिए अगले कलर की तरफ चलते हैं। ट्रेंडिंग कलर जो है वो ये इंक ब्लू कलर है। ये दो अलग अलग शेड्स में मेरे पास है, मैंने लोकल मार्केट से खरीदा, 50 रुपीज़ का मुझे पड़ा था। लेकिन लगाने के बाद इसका पिगमेंट बहुत अच्छा है, लगाने के बाद शेड बहुत ही प्यारा आता है, हाथों को बहुत निखारता है। और ये भी आजकल जो है बहुत ज़्यादा रनिंग है और नेल आर्ट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मैंने देखा है। तो ये भी जो है आपका लेटेस्ट ट्रेंडिंग कलर है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ब्रांड में भी आपको ये मिल जाएगा और लोकल मार्केट में थोड़ा सा सर्च करेंगे तो भी आपको ईजिली मिल जाएगा। तो चलिए अगले कलर की तरफ चलते हैं। अगला कलर जो है वो वाइट कलर है। ऑफकोर्स वाइट तो कभी ट्रेंड से जाता ही नहीं है, चाहे ट्रेंड कितना बदल जाए, लेकिन ब्लैक और वाइट हमेशा ट्रेंड में रहता है। इसलिए मैं एक ब्लैक और एक वाइट हमेशा अपने पास रखती हूँ। ये मेबलिन का सुपर ड्राई जेल नेल कलर है, बहुत ही प्यारा पिगमेंट है इसका, लगाने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। और ऑफकोर्स ऑलवेज ये ट्रेंड में रहता है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट डिमांडिंग कलर इज येलो। यस, येलो कलर इज इन, बहुत ज़्यादा जो है डिमांड में है और लगाया हुआ बहुत प्यारा लगता है। ये फर्स्ट वाला जो है मेरे पास फेसिस कैनेडा का है, बहुत प्यारा कलर है। जैसा अभी थोड़ा सा लाइट लग रहा है, लेकिन लगाने के बाद ये बहुत डार्क सा आता है और दो शेड में ये बहुत प्यारा लुक देता है। ये देखिए फेसिस कैनेडा का है ये मेरे पास।
और ये वाला जो शेड है ये मैंने लोकल मार्केट से खरीदा था। इस वाले से थोड़ा सा डार्कर है लेकिन लगाने के बाद ये भी बहुत प्यारा आता है। और अगर आप मिक्स एंड मैच करके लगाते हैं, कुछ और कलर के साथ मिक्स करके इसको लगाते हैं, तो आपका नेल आर्ट बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, आपको सलून जाने की कोई ज़रूरत नहीं, सस्ते में ही आपको प्यारा सा नेल आर्ट जो है बन जाता है। तो ज़रूर ये शेड्स जो है ट्राई कीजिए। तो चलिए कुछ और, एक दो शेड्स और बच गए हैं उनको भी करते हैं। कलर है ये ग्रे कलर, ये लेट ग्रे कलर है, बहुत ही प्यारा शेड है, इसको भी आप जो है ट्राई कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़े और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दिखा सकें, अच्छे से अच्छा फैशन से जुड़ी हर चीज़ आपको दिखा सकें। साथ ही हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, ताकि हम लोग जो है प्रमोट हो सकें। तो चलिए अगले कलर की तरफ चलते हैं। फैशन के लास्ट दो कलर जो हैं वो ये ब्राउन कलर है, चॉकलेट ब्राउन कलर, टू ब्यूटीफुल कलर, लगाने के बाद बहुत प्यारा लगता है। साथ ही ये पिंक कलर, ये दोनों कलर ऐसे हैं कि अगर आपके हाथ बहुत फेयर है या थोड़े से डल है मेरी तरह, क्योंकि मेरी सिस्टर के हाथ बहुत फेयर है और मेरे थोड़े से डल हैं, तो हम दोनों के हाथों पे ये कलर जो है बहुत प्यारा लगता है। ये दोनों कलर जो है वो हर किसी कॉम्प्लेक्शन के साथ जो है सूट करते हैं और आपके कॉम्प्लेक्शन को एनहेंस करते हैं। तो ये दोनों कलर्स जो हैं, इस तरह के जो कलर्स हैं वो आप अपने कलेक्शन में ज़रूर रखिए। और बस एक लास्ट चीज़ मैं आपको अपने कलेक्शन में से दिखाना चाहूँगी है ये नेल आर्ट के स्टिकर्स। ये मैंने अमेजोन से मंगाए थे, अमेजोन में से मैंने इसलिए मंगाए हैं क्योंकि अमेजोन जो है वो हर कंट्री में अवेलेबल है। अमेजोन से आप किसी भी कंट्री में हो, अमेजोन आपके देश में आपके स्टेट में ईजिली अवेलेबल है, वहाँ प्रोडक्ट आपको ईजिली मिल जाते हैं और बहुत ही चीप पड़ते हैं। ये करीब 100 रुपीज़ के आपको 15 या 20 स्टिकर्स मिल जाएंगे। मैंने ये 50 स्टिकर्स मंगाए थे, वो मुझे 400 के अमेजोन से पड़े थे, लेकिन अगर आप अमेजोन को स्क्रोल करेंगे तो वहाँ पे आपको ईजिली जो है बहुत सस्ते पड़ जाएंगे। बहुत ही प्यारे स्टिकर्स हैं और ये देखिए बहुत प्यारे प्यारे इसमें जो है डिज़ाइंस हैं, जो आप जो है अपने नेल आर्ट को कंप्लीट आप खुद ही घर में बना सकते हैं, आपको बाजार जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और बहुत चीप पड़ता है, मतलब अराउंड आपको अगर आप एक बार ले लेंगे तो आपके 5 साल जो है कहीं नहीं जाएंगे, उससे भी ज़्यादा ये चल जाएंगे। और ये वाटरप्रूफ होते हैं, इनके ऊपर अगर आप जो है ऊपर से टॉप कोट लगा लेंगे तो ये बिल्कुल कहीं नहीं हिलने वाले जब तक आप इन्हें खुद ना उतारें। तो चलिए अपनी वीडियो को यहीं पर ही क्लोज करते हैं। साथ ही प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो और मेरा कलेक्शन कैसा लगा। थैंक यू सो मच।